वेलकम बैक दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का मुझे कमेंट आ रहा था भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। किन्हीं का ब्लैक स्क्रीन एरर हो जा रहा है, किन्हीं का रन टाइम एरर ही हो जा रहा है। तो हमारे वीडियो को देखने के बाद लगभग 30% लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया था, बट अभी भी 70% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरे बातों को रखूँगा, एक एक डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो सॉरी दोस्तों, मेरा चैनल आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा। बट मतलब इस वीडियो में मैं उन सब बातों को, छोटी बड़ी सभी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिनके वजह से ये फॉल्ट हो रही है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कमेंट बॉक्स में कि मैं अगर किन्हीं का सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को आना है माई कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा पबजी लाइट, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा क्लाइंट, तो इस क्लाइंट फोल्डर को सिंपली क्लिक करके, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे मेन फोल्डर एकदम सी ड्राइव में ही यहाँ आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपका यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा, ये रहा क्लाइंट फोल्डर दोस्तों। ये मैंने बैकअप के तौर पे आपका बना दिया ताकि आगे कुछ भी दिक्कत होता है तो ये आपका काम कर जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप को करने के बाद आपको सिंपली जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको जाना है अनइंस्टॉलर प्रोग्राम पे, ठीक है दोस्तों। अनइंस्टॉल में आपको नीचे आना है पबजी लाइट पे, इस पर सिंपली क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ओके। अनइंस्टॉल कम्प्लीटली कर दीजिएगा, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको वापस इस फोल्डर यहाँ सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ व्यू पे जाने के बाद, जैसे यहाँ फाइल है ना, फाइल के बगल में होम है, फिर शेयर है, फिर व्यू है। तो आपको व्यू में आने के बाद हिडन फाइल्स को ऑन कर देना है, ठीक है। हिडन फाइल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम डाटा फाइल दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक करके जाना है अंदर। यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा पबजी, इस पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर डिलीट करना है सिंपली, ठीक है। और यहाँ रिसाइकल बिन से भी आपको डिलीट कर देना है यहाँ से। मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये ठीक चल रहा है, तो मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ, मगर आपको यहाँ से डिलीट कर देना है इसे, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको आगे करना ये है कि आपको जाना होगा वापस बैक प्रोग्राम फाइल्स में 86। तो यहाँ पे आपको पबजी का फोल्डर दिखाई देगा लाइट वाला, आपको यहाँ से भी इसको शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देना है, शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडोज़ प्लस आर से विंडो रन कमांड खोलना है। ये रन डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना है PREFETCH, फिर एंटर कर दीजिए, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए दबाकर सेलेक्ट ऑल और शिफ्ट के साथ डिलीट, यस सारा डिलीट हो जाएगा। जो फाइल नहीं हो पा रहा डिलीट, उसे स्किप कर दीजिएगा, ये हो गया। वापस से विंडोज़ प्लस आर दबाना है, रन कमांड खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है TEMP, फिर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ भी आपको ढेर सारे फाइल्स दिखेंगे, यहाँ कंट्रोल ए के साथ शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देना है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हो गया दोस्तों, यहाँ पे डिलीट हो गया सब कुछ, कट करता हूँ। फिर से आपको विंडोज़ प्लस आर दबा कर रन कमांड खोलना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है मॉड TEMP मॉड, फिर ओके कर देना है। यहाँ पे भी आके आपको कंट्रोल प्लस ए दबाना है, फिर शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देना है, फिर यस कर देना है, यह भी सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये डिलीट होने देते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको माई कंप्यूटर खोलना है, वहाँ पे आपको डी ई या एफ में से किसी एक
ड्राइव में आपका पबजी का एक और फोल्डर होगा, उसे आपको खोजना है और उसे डिलीट कर देना है। मैंने यहाँ शायद डिलीट कर रखा है। अब आपको सिंपली जाना है उस उनके वेबसाइट पे और एक फ्रेश डाउनलोड करना है। ध्यान रहे दोस्तों, डाउनलोड करने से पहले आपको इन तीनों फाइल को डाउनलोड करना है। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि मेरा ये अपडेटेड है, वो अपडेटेड है, वो अपडेटेड है, कुछ नहीं। आपको तीनों को बारी बारी डाउनलोड करना है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर 4.5.2 को डाउनलोड कीजिएगा, फिर डायरेक्ट एक्स 11 को डाउनलोड कीजिएगा। तीनों को डाउनलोड करने के बाद बारी बारी इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पबजी का सेटअप डाउनलोड करना है, ये वाला, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड्स फोल्डर में ये इसका सेटअप आ जाएगा तीनों, ठीक है। सिंपली वहाँ से आपको पबजी लाइट को इंस्टॉल करना है फिर से, ठीक है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आपको सेटअप को रन करा देना है इतने चीज़ को क्लीन करने के बाद। दोस्तों ध्यान रहे, सेटअप को चलाने से पहले कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ना भूलें। सीधे यहाँ जाएँ और रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट करने के बाद ही सेटअप चलाइएगा, किसी भी सेटअप को मैंने जितना बताया तो उतना क्लीन करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना है। उसके बाद सेटअप्स को रन कराना है डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। जब उसे रन कराएंगे उसके बाद सिंपली आपको इंस्टॉल पे, इंस्टॉल होने के बाद आपको उसका जो डायलॉग बॉक्स है पबजी लाइट का ये वाला, इसको रन नहीं कराना है, ठीक है। आपको सिंपली जाना है माई कंप्यूटर में, ड्राइव सी में। अब जो मैंने यह क्लाइंट फोल्डर को कॉपी करवाया था, इसे सिंपली कॉपी करना है आपको फिर से, और आपको यहाँ प्रोग्राम फाइल 86 में जाकर, पबजी लाइट में जाकर यहाँ पे वापस से पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद आपका जो 2-3 GB का जो भी फाइल होता है वो डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, सीधे वहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि इसके लोकेशन पे जाना होगा, राइट क्लिक कीजिएगा, इसके ओपन लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लाइंट पे क्लिक करना है। क्लाइंट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पबजी लाइट का लॉन्चर दिख जाएगा, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है डिजिटल सिग्नेचर्स में। यहाँ पे आपको पहला जो दिखाई दे रहा है ये पबजी कॉरपोरेशन, इस पर क्लिक करके डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे इस जगह पर इंस्टॉल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, ओके और फिर ओके, ठीक है। ये इतना होने के बाद एक काम आपको और करना है लॉन्च करने से पहले, कि आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग्स में। डिस्प्ले सेटिंग खोलने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ग्राफिक्स सेटिंग में। ग्राफिक्स सेटिंग जैसे ही खोलते हैं यहाँ पे आपको ब्राउज़ का ऑप्शन दिख जाएगा, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइव सी में प्रोग्राम 86 और यहाँ पे पबजी लाइट का जो था, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लाइंट में जाना है और पबजी लाइट के लॉन्चर को ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ ऐड कर रखा है तो यहाँ पे यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन पे क्लिक करके हाई परफॉर्मेंस मोड पे क्लिक करके सेव कर देना है। ये जो ऑप्शन है आपको इंटेल के लिए भी है और ग्राफिक्स वालों के लिए भी है, ठीक है, चाहे वो एनवीडिया हो या एएमडी हो। तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है सिंपली, ठीक है। फिर से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जाना है, अगर एनवीडिया सिस्टम है तो, और जिनका इंटेल सिस्टम है उनको कुछ नहीं करना है, वो सीधे रन करा सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में आना है मैनेज जीपीयू परफॉर्मेंस काउंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको अलाउ एक्सेस टू जीपीयू परफॉर्मेंस काउंटर्स टू ऑल यूज़र्स कर देना है, ठीक है। मेरा पहले इस पर था तो मेरा नहीं चल रहा था पबजी, लेकिन इस पर करने के बाद चलने लगा। तो यहाँ पर करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पर नीचे, ठीक है। अप्लाई हो गया, फिर येस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आना है यहाँ मैनेज 3D सेटिंग्स पे, ठीक है। मैनेज 3D सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद इसका जो लाइट का लॉन्चर है, पबजी लाइट का लॉन्चर, इस पर सिलेक्ट करके ऐड सिलेक्टेड प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मेरा पहले से ऐड है तो मैंने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे ऐड करके बस इसको सेव करके बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको सिंपली इसके लाइट लॉन्चर को रन कराना है, ठीक है। रन कराने के बाद आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपको अपना पासवर्ड डाल के वापस से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। अगर देता है ऑप्शन दिखाई अपडेट का तो कर लेना है, और नहीं दिखाई देता है तो आपको सिंपली यहाँ पर चेक एंड रिपेयर पर क्लिक करना है, ठीक है।
चेक एंड रिपेयर कंप्लीट होते ही आपको इसको स्टार्ट कर देना है, बिना चेक एंड रिपेयर किए हुए स्टार्ट आपको नहीं करना है, इस चीज़ को नोट रखिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके। तो दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।